इस वीडियो में हम D3 7 एडिशन की एक्सरसाइज 1 है जो है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट ए है 2x² प्लस 5x माइनस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास जब मैक्सिमम पावर, आपके पास जो पार्ट ए है वो है 2x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें आपके पास जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, जो यहाँ पर x है, x यहाँ पर वेरिएबल है, सो द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। तो जब आपके पास मैक्सिमम पावर वेरिएबल की इक्वेशन में 2 हो, नाउ दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सो द वर्ड इज सॉल्व। आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, फैक्टराइज एंड सॉल्व। द सॉल्व में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यू हैव 3 प्रोसेसेस बेसिकली। एक आपके पास होता है फैक्टराइजेशन, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। जो ये दो मेथड आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड द थर्ड वन इस क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट 2 मेथड हेयर। हम यहाँ पहले दो मेथड इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि वेदर यू कैन फैक्टराइज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। 2x² प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो उस केस में आपने मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म आपके पास यहाँ पर 5x है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 एंड 2, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 14। अगर आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 14 आता है। अब 14 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं, 7 और 2 वो तो हैं ही हैं। क्या 7 और 2 जो फैक्टर्स हैं 14 के, क्या इनको ऐड करने से या माइनस करने से आपके पास ये मिडिल वाला नंबर आता है? बिल्कुल आता है। आप अगर 2x² प्लस 7x, अगर आप 7x में से माइनस करेंगे 2x, आप देख लें फैक्टर्स ये वाले इस्तेमाल किए मैंने, 7 और 2, हाँ ये माइनस हो रहे हैं। आपने अपना आंसर मिड टर्म की इक्वल लाना होता है, चाहे इनको माइनस करें या प्लस करें, जिससे भी आंसर आपका मिड टर्म की इक्वल आ रहा है आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरी चीज़, मैंने 7 के साथ यहाँ पे प्लस रखा है और 2 के साथ माइनस। द रीज़न इज़ मुझे यहाँ मिड टर्म जो कि 5x है, मुझे मिड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन चाहिए। तो आप जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर अगर प्लस हो, छोटा नंबर माइनस हो, तो आंसर बड़े नंबर वाले साइन का ही होता है। मतलब प्लस 7 के साथ, 7 के साथ अगर प्लस है और 2 के साथ अगर माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर आपके पास प्लस में आएगा। प्लस 7 माइनस 2 इज़ प्लस 5, माइनस 7 ये इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म ब्रेक, इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मैंने बेसिकली इस मिड टर्म को ब्रेक किया है दो टर्म्स के अंदर। ये दो टर्म्स कहाँ से आई? ये आई 7 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया, जो कि 14 था, उस 14 के फैक्टर्स जो कि 7 और 2 थे, और फैक्टर्स भी हैं 14 के, 14 इंटू 1 ये भी 14 होता है। तो ये दो भी फैक्टर्स हैं 14 के, 14 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, लेकिन
14 और 1 को ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें आपको 5 नहीं मिलेगा। 7 और 2 को माइनस करने से हमें 5 मिल जाता है, तो 7 और 2 को मैंने इस्तेमाल किया। अब आप फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालें, आपके पास पहले देखिए नंबर्स में कुछ कॉमन है, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पे 7 है, कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स है, आप एक्स बाहर निकाल लें, एक्स कॉमन है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर में से एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स आपका अंदर रह जाएगा, प्लस 7 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 7 तो बाहर नहीं निकाला मैंने, ये एक्स कहाँ गया, ये एक्स बाहर चला गया, ये एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ 7 बच जाएगा माइनस। हाँ यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, आप 1 कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज आपका 2 नंबर्स में देखें तो यहाँ 2 है यहाँ 7 है, कॉमन नहीं निकाल सकते, कॉमन के लिए दोनों जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है ना। एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो आप क्या करें, आप 1 कॉमन निकालें और माइनस, मैं इसलिए कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा आंसर 2x प्लस 7 आएगा अगर माइनस आप बाहर निकालते हैं, अगर माइनस आप बाहर निकालते हैं तो आप ये वाला साइन चेंज कर देंगे। ओके ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो आप ये वाला साइन, अगर बाहर माइनस आप कॉमन निकाल रहे हो तो इस साइन को चेंज करना, ये साइन हो जाएगा प्लस अगर आप ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं बाहर, तो हम मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये दोनों ब्रैकेट में गए, तो इन दैट केस यू हैव टू चेंज द साइन। अब आपके दो फैक्टर्स बने, हाँ आपके आपको कैसे पता चला आपने ठीक काम किया, ये दोनों सेम होंगे 2x प्लस 7 2x प्लस 7। अब अगर आप देखें यहाँ से तो आपके पास दो फैक्टर बने, एक है x माइनस 1 ये बाहर वाले नंबर्स और एक है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है फैक्टराइजेशन, ये सोल्यूशन नहीं है अभी तक, ये फैक्टराइजेशन है। सोल्यूशन का क्या मतलब है, आप अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1, यहाँ से आप 2x को इक्वल करेंगे माइनस 7 के और x हो जाएगा माइनस 7 बाय 2, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 7 बाय 2 विच इज़ माइनस 3.5। ये सोल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज D3 और बुक थी D3 है और एक्सरसाइज आपकी 1A है। एम राइट, आई एम राइट। ओके दिस वॉज फैक्टराइजेशन, इसको आप फैक्टराइजेशन कहते हैं बिकॉज हमने इसमें फैक्टर्स बनाए और वहाँ से इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी, 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। तो द क्वेश्चन इज 4x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी, 6 4 टाइम्स 24 एंड 24 के फैक्टर्स आपके पास होंगे 6 एंड 4। ओके 6 एंड 4 को प्लस करने से माइनस करने से 5 तो नहीं आता, फिर होगा 12 एंड 2, 12 2 टाइम्स 24, 24 के फैक्टर्स में 12 और 2 भी है लेकिन उनको प्लस करने से और माइनस करने से मतलब कोई भी ऑपरेशन करो आप 5 तो नहीं आएगा। फिर 24 एंड 1, 24 एंड 1 भी फैक्टर्स हैं 24 के लेकिन लेकिन आप उनको प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपको 5 तो नहीं मिलता, मिड टर्म तो नहीं मिल रहा। और के फैक्टर्स वक्त आई डोंट नो कोई होगा लेकिन आई थिंक यही है। एनीवेज हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वेयर से करके देखते हैं। सो सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड, by completing the square method. Okay. So now the first step for completing the square method is कि आपके पास x square के साथ जो coefficient है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 है। दोबारा repeat कर रहा हूँ, x square के साथ जो coefficient है in case of completing the square method, आपके पास x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इट शुड बी 1। सो टू मेक इट 1, स्टेप नंबर 1, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें।
तभी यहाँ पे वन आएगा. सो नो इट बिकम्स 4x² / 4 -5x/4 -6/4 = 0. 4 से इसलिए डिवाइड किया मुझे एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें ये करना होता है. 4 and 4 गोज, आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -5x/4. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 times 6, 2 2 times 4. ओके, तो स्टेप नंबर 1 ये था, दिस वन, इसको मैं 1 कर देता हूँ, स्टेप नंबर 1. तो स्टेप नंबर 2 से कि हमें इस कांस्टेंट को, जिसको मैं डॉटेड लाइन से सर्कल कर रहा हूँ, यू हैव टू मूव दिस कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड. मूव दिस कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. दिस इज स्टेप नंबर 2. ओके, सो मूविंग इट, आपके पास होगा एक्स स्क्वायर -5/4x इज इक्वल टू 3/2. -3/2 जब इस तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो उधर जाके साइन चेंज करेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा. अब नो स्टेप नंबर 3 कम्स इन टू प्लेस. स्टेप नंबर 3 सेज यू हैव टू एड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑन बोथ साइड्स. एक्स स्क्वायर -5/4x प्लस, अब यहाँ पे एक नंबर मैं लिखूँगा, उसका स्क्वायर आपने यहाँ भी ऐड करना है, और बिकॉज आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कुछ ऐड कर रहे हो अपनी तरफ से, तो इक्वेशन के राइट साइड पे भी वही करना पड़ेगा. बैलेंस तो रखना है ना, अगर आप नहीं करोगे तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा. हम इक्वेशन को इम्बैलेंस तो नहीं कर सकते. वट एवर यू आर एडिंग ऑन द लेफ्ट साइड, आपने इसको राइट साइड पर भी ऐड करना है. मेरी कोशिश यहाँ पर स्क्वायर कम्प्लीट करने की. यहाँ पर क्या आएगा जी, यहाँ बॉक्स बनाते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, वो इस बॉक्स में आएगा. आपके पास एक्स के साथ जो भी नंबर आपको नज़र आ रहा है, एक्स के साथ आपके पास जो इस वक्त कोफिशेंट है वो 5/4 है. आप एक्स के साथ जो भी कोफिशेंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ. एक्स के साथ जो भी कोफिशेंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ. तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8. ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर हम लेफ्ट पे भी ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर हम राइट पे भी ऐड करने वाले हैं. लाइक दिस, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था उसको आपने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8. ये जो आंसर आया इसका स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड करें, राइट पे भी ऐड करें. दिस इज स्टेप नंबर 3 इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. अब एक्स स्क्वायर -5/4x +5/8 होल स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स -5/8. ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया. यहाँ पे ए स्क्वायर +b² -2ab, ए -b होल स्क्वायर. ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab की जगह पे है. यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. सो इट इज़ ए -b होल स्क्वायर. और राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे होगा 3/2 +5 का स्क्वायर है 25 और 8 का स्क्वायर होगा 64. अब ये आपका 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए. पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया गया. दूसरे स्टेप में कांस्टेंट को उस तरफ मूव किया. तीसरे स्टेप में स्क्वायर ऐड किया दोनों तरफ. किसका स्क्वायर ऐड किया, एक्स के साथ जो नंबर था उसको आपने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 5/8 आंसर आया. उसका स्क्वायर लेफ्ट पे भी और राइट पे भी ऐड किया. लेफ्ट साइड पे आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया एक्स -5/8 होल स्क्वायर. और राइट साइड पे अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. राइट साइड पे आप एलसीएम ले सकते हैं 64. नो, टू हाउ मैनी टाइम्स 64, 232 times, 232 times 64 एंड 232 times 64 एंड 32 × 3, 30 30 30 90. नाउ दैट इज 96.
प्लस 64 एंड 64 सेम है, 64 ओवर 64 कैंसल्स, यू गेट 1 इंटू 25 इज 25। इस स्टेप पे काफ़ी सारे बच्चों को इश्यू होता है। दूसरा स्टेप भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके इसको दूसरा तरीका भी आपको मैं समझा देता हूँ। 96 प्लस 25 विल गिव यू 1 to 1। ये आपके पास LCM आ गया और लेफ्ट साइड पे था x माइनस 5/8 होल स्क्वायर। ओके नो, आपने राइट साइड पे जो आपके पास टर्म्स थी उनको उनका LCM लिया, उनको सिंप्लीफाई किया। नो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट साइड विल एलिमिनेट द स्क्वायर, ये होगा x माइनस 5/8, जबकि राइट साइड पे आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 1 to 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 11 एंड 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8। तो आपका सॉल्यूशन की तरफ अब क्वेश्चन हो गया। नो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर टू वैल्यूज, एक्स माइनस 5/8 विल बी इक्वल टू प्लस 11/8 एंड एक्स माइनस 5/8 विल बी इक्वल टू माइनस 11/8। एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं इसको जल्दी से। 11/8 ये माइनस 5/8 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 5/8। LCM ले लोगे 8, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 8 आ जाएगा। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 और 1 16/8 एंड 16/8 विल गिव यू 2। एक आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, माइनस 11/8 ये माइनस 5/8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा प्लस 5/8। यहाँ से आप इसको LCM लोगे 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8, LCM आपके पास 8 आ जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर वही हैं जो आपका LCM है। अगर आपके डिनोमिनेटर और LCM सेम हो तो ये नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। सो माइनस 11 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा माइनस 6/8, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 3 times 6 to 4 times 8। तो ये आपके पास x के आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सी, 7x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 18 इक्वल टू जीरो। ओके लेट्स सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सी बुक डी थ्री एक्सरसाइज 1A पार्ट सी, 7x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 18 इक्वल जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, आपको मैंने बताया है तीन तरीक़ों से सॉल्व हो सकती है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय मिडटर्म ब्रेक दो दैट इज़ द सेम, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको रीअरेंज करें, एक्स स्क्वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दिस वन। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, वेयर ए, यहाँ पे ए कहाँ है, ये वन, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशियंट है ना दैट इज़ ए, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ वन तो होगा ना, और एक्स के साथ जो कोफिशियंट होगा वो बी होगा, मतलब 7 बी की जगह पे है, ए की जगह पे वन है, और सी ए कांस्टेंट होता है, यहाँ पे सी माइनस 18 है। करते हैं इसको सॉल्व, इफ़ यू यूज़ इट, इफ़ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट, सो आर वी, कैन वी डू फैक्टराइजेशन। 18 के फैक्टर्स आप देख लें, 18 के फैक्टर्स हैं 6 एंड 3, और हमारे पास बनेंगे 6 3 times 18, देन वी हैव 18 and 1, ये दूसरा फैक्टर होगा। एक और फैक्टर है 9 and 2, ये वाला, ये काम का हमारे 9 and 2, ये देख लें आप, देखें हमें वो फैक्टर, वो पेयर चाहिए, वो पेयर चाहिए जिसको प्लस करने से या माइनस करने से 7 आ जाए। ऐसा होगा 6 और 3 को प्लस करने से 9 आता है, 6 और 3 को माइनस करने से 3 आता है, 7 चाहिए नहीं आ रहा, 18 और 1 को प्लस करने से 19 आता है, 18 1 माइनस करने से 17 आता है, 7 तो नहीं आता, 9 और 2 को प्लस करने से 11 आता है, लेकिन 9 और 2 को माइनस करने से 7 आता है। यस, तो हम 9 और 2 का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वेयर पहले क्या लिखूँ, 9 लिखूँ या 2 लिखूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन
नाइन के साथ नंबर में प्लस वाला लगाऊंगा। वजह ये है कि मुझे मिड टर्म प्लस में चाहिए। अगर आपको मिड टर्म प्लस में चाहिए तो जो बड़ा फैक्टर है उसके साथ प्लस लगाएं ताकि आंसर प्लस में आए। ये ऐसे होगा, मिड टर्म को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। पहले दो में से कॉमन निकालने, नेक्स्ट टू में से कॉमन निकालने। फर्स्ट टू में कॉमन है एक्स, कॉमन का मतलब है दोनों जगह वो प्रेजेंट है। एक एक्स बाहर चला गया, ये एक्स की पावर टू थी, एक आप बाहर ले गए, एक आपका यहाँ बच जाएगा। प्लस यहाँ से एक्स बाहर चला गया, यहाँ रह गया नाइन, माइनस टू कॉमन निकल गया, टू बाहर चला गया। हाँ अब यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता कॉमन, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन नहीं निकल सकता। नंबर्स में से टू मैंने बाहर निकाल लिया, टू यहाँ पे आ गया, टू 18 के फैक्टर्स में प्रेजेंट है। 18 यहाँ पे अगर आप देखें ना, 18 होता है 9 इंटू टू, तो ये टू बाहर निकाल लिया, यहाँ पे अब 9 रह जाएगा। मसला है माइनस का, मैंने माइनस यहाँ बाहर निकाला। और हाँ, अगर आप माइनस बाहर निकालते हैं तो साइन चेंज करके अंदर लिखना आपने। माइनस बाहर चला गया, टू बाहर चला गया, यहाँ पे बचा एक्स, माइनस क्योंकि कॉमन निकाला तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइन चेंज करने हैं। और 18 के फैक्टर्स थे 9 और 2, ये 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9। अब आपका एक फैक्टर बनेगा x माइनस टू और एक बनेगा x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, आप जब इसको ज़ीरो की इक्वल करेंगे तो x आएगा 2 और जब आप इसको ज़ीरो की इक्वल करेंगे तो x आएगा माइनस 9। ये आपका सलूशन है इसका, पार्ट डी एक्सरसाइज 1A D3 सेवन्थ एडिशन क्वेश्चन नंबर 1 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो पार्ट डी। 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इसको आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज दिस इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, बट यू शुड हैव एक्स स्क्वायर द कोफिशियंट। आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसको पॉजिटिव करना है हमने। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, जब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ज़ीरो को फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब आपके पास मिड टर्म में है 3 और आपके पास यहाँ पे है 4, 4 इंटू यहाँ पे होता है 1, अगर कोई नंबर ना आपने यहाँ पे लिखा हो तो 1 होता है यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ 1 एक्स स्क्वायर। 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो 2 एंड 2 हैं, 2 इंटू 2 इज़ 4 और 1 इंटू 4, ये आपके फैक्टर्स हैं 4 के। कौन से वाले काम के हैं आपके इस वक्त, काम के दोनों होते हैं लेकिन इस वक्त कौन से हैं आपके पास, ये वाला काम का है क्योंकि इन दोनों को माइनस करने से आपके पास 3 आ रहा है। आपको चेक करना होता है इन दोनों को प्लस करने से 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों को माइनस करने से 3 आ रहा है, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये वाला काम का है हमारा, ये काम का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 3 नहीं आता, इन दोनों को माइनस करने से 0 आता है। इसको इस्तेमाल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब 4 और 1 आपके पास चॉइस है। आप अपनी मिड टर्म को देखें, मिड टर्म में साइन को देखें, साइन है प्लस, तो बड़ा नंबर जो है यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स में जो बड़े वाला नंबर होगा उसके साथ लगाएं प्लस, और जो छोटे वाला नंबर है उसके साथ माइनस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस करना है और 3 हासिल करना है। सो 4x माइनस 3x हमें, और 4x माइनस x हमें देगा 3x माइनस ये 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप फर्स्ट टू में से कॉमन निकालें और लास्ट टू में से कॉमन निकालें, फर्स्ट टू में से कॉमन निकलेगा x, आप जब x को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर में से एक x आपने बाहर निकाल दिया, आपके पास बचा एक x अंदर, प्लस इस 4x में से x बाहर चला गया, यहाँ बचा 4, यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस 1 क्योंकि ना एक्स प्रेजेंट है, ना एक्स कॉमन है दोनों में, ना कोई नंबर कॉमन है, 1 यहाँ भी होगा, 1 यहाँ भी आप लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 4 इज़ 4, तो 1 कॉमन निकाल लें
और माइनस कॉमन निकालने, जब माइनस बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करते हैं, ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, ये माइनस फोर हो जाएगा प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। एक फैक्टर ये बनेगा, आपके फैक्टर सेम हैं, इनके साइन भी सेम है, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर, इसका मतलब आपने काम ठीक किया। तो एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। आप दोनों को ज़ीरो की इक्वल कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको ज़ीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी वन, क्योंकि माइनस वन वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और जब इसको ज़ीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स का आंसर आएगा माइनस फोर। ये सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ही देखते हैं, एक्स ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू टू, इसको सॉल्व करते हैं। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्स इंटू थ्री एक्स इज थ्री एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स इक्वल टू टू। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस टू को यहाँ लेके आए, ये सी बेसिकली टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस टू को यहाँ लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये टू इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं, वैसे तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक से भी कर नहीं सकते, कर सकते हैं थ्री टू ज़ार सिक्स जी कर सकते हैं इसको फैक्टराइजेशन से, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से जाऊँगा। सो यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड, जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि दोनों आपके एक्सप्लेन किए गए हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड ओके। उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके पास एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशियंट है वो वन होना चाहिए। तो स्टेप नंबर वन, डिवाइड होल इक्वेशन बाय वन, नो थ्री। आप पूरी इक्वेशन को थ्री से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वन आएगा ना, कैसे, थ्री एक्स स्क्वेयर को थ्री से डिवाइड करेंगे तभी वन आएगा ना, बाकी सबको तो डिवाइड करना है क्योंकि आप पूरी इक्वेशन के साथ एक ही सलूक करेंगे, एक्स एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री, ज़ीरो डिवाइडेड बाई थ्री, ज़ीरो ही होगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ लिखा है मैंने। एनी वेज थ्री गोज विथ थ्री, हमारा टारगेट था एक्स स्क्वेयर के साथ वन आ जाए, वो पूरा हो गया, बाकी जो हो रहा है वो होने दें, ज़ीरो ओवर थ्री ज़ीरो। अब स्टेप नंबर टू, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड, मूव योर कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, मूव कांस्टेंट ऑन आर एच एस राइट हैंड साइड, मूव करें इसको, ओके मूव कर लेते हैं। इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री। स्टेप नंबर टू पूरा हो गया, स्टेप नंबर थ्री में यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वेयर ऑन लेफ्ट साइड ऑन एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, कैसे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बाय थ्री प्लस, यहाँ पे एक नंबर आएगा जिसका स्क्वेयर हमने यहाँ भी लिखना है और इसी नंबर का इक्वल टू है, इसी नंबर का स्क्वेयर आप राइट साइड पे भी लिखेंगे, क्योंकि आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो काम करोगे वो राइट साइड पे भी करोगे, बैलेंस रखना आपने इक्वेशन को। यहाँ पे कौन आएगा, बॉक्स बनाए इस बॉक्स, यहाँ पे मैं बताऊँगा यहाँ कौन आएगा, एक्स के साथ आप देखें कौन सा नंबर है, यहाँ पे वन आप एडजस्ट कर दें, वन लिख सकते हैं, एक्स के साथ जो इस वक्त कोफिशियंट है नो दैट इज़ वन बाई थ्री, एक्स के साथ जो कोफिशियंट है वो है वन बाई थ्री। तो एक्स के साथ जो कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है वन बाई टू के साथ, आपके पास आंसर आएगा वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू विल गिव यू वन बाई सिक्स, ये वन बाई सिक्स यहाँ एडजस्ट होना है, तो यहाँ पे भी वन बाई सिक्स का स्क्वेयर आएगा और यहाँ पे भी वन बाई सिक्स का स्क्वेयर आएगा। नौ जब वन बाई सिक्स का स्क्वेयर आपने ऐड कर लिया, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अब लेफ्ट साइड पे स्क्वेयर कंप्लीट हो चुका है, एक्स माइनस वन बाय सिक्स होल स्क्वेयर, ये फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वेयर,
राइट साइड पे होगा 2/3 प्लस 1/36। ओके, पहले आप राइट साइड पे एलसीएम ले लें, एलसीएम। ओके, आप यहाँ पे दूसरा मैं तरीका बता देता हूँ, आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, यहाँ 36 है, यहाँ पे 36 मतलब मुझे 3 को 36 करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 को 36 कर सकता हूँ, 12 1 12 12 2 24 12 3 36। 12 को आप नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, 12 को आप न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। जब आप ये करेंगे, और मकसद मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर जो 36 है यहाँ भी 36 हो जाए, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 2 टाइम्स 24, 12 3 टाइम्स 36। ये एक दूसरा मेथड एलसीएम लेने का, 1/36। अब देखिए मेरे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो आपके पास यही आएगा x-1/6 का स्क्वायर। अब आप एलसीएम लें, एलसीएम आपके पास 36 आ जाएगा, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, और न्यूमिनेटर आपका एज इट इज़ आ जाएगा 24 + 1 x-1/6 होल स्क्वायर। तो x-1/6 होल स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा 24 + 1 25/36। इधर से कंटिन्यू करते हैं, आपके पास अब x-1/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36 आ गया। आपने सॉल्व करना है इसको, आपने x फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, मुझे स्क्वायर को ख़त्म करना है ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x-1/6 लेफ्ट साइड पे, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे 25 का तो 5 आएगा, और 36 का लेंगे तो 6 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने एक दफ़ा x-1/6 को +5/6 के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा आपने इसको -5/6 के साथ सॉल्व करना है। यहाँ से आपके पास आएगा x=5/6, -1/6 राइट साइड पे जाके हो जाएगा +1/6। तो ये आप 6 एलसीएम ले लो, 5 + 1 = 6, तो 6/6 आपको आंसर दे देगा 1। यहाँ पे -1/6 जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ -5/6 इसका वेट कर रहा है, -1/6 राइट साइड पे जाके हो जाएगा +1/6। यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, 6-5 + 1 विल गिव यू -4/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2/3 ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। पार्ट एफ की बात कर लेते हैं, 7-3x (x+2) = 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, आप पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, सो 7 × x = 7x, देन 7 × 2 = 14, -3 × x = -3x² एंड -3x × 2 = -6x = 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास दो लाइक टर्म्स हैं, 7x - 6x, और इसको रीअरेंज भी कर लें, -3x² शुड बी एट द स्टार्ट, 7x - 6x विल गिव यू 1x +14, -4 लेफ्ट साइड पे लेके आए माइनस हो जाएगा, जब आप इस -4 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे जीरो रह जाएगा, नो दिस इज -3x² + 1x + 14 - 4 = 10 = 0। एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशेंट है उसको पॉजिटिव करें, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें बाय -1 मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय -1। पर्पज़ है एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशेंट को प्लस करना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², साइन चेंज हो जाएंगे, -1x - 10 = 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, सब साइन चेंज हो गए। अब आपके पास 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 30, और हमें मिड टर्म में चाहिए 1x - 1x, तो 30 के फैक्टर अगर आप देखें तो 5 और 6 और कौन से हैं, और हैं 10 और 3। इसी तरह आपके पास है 30 और 1, ये आपके पास फैक्टर्स बनते हैं। इसमें से ये वाला हमारे काम का है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, इन दोनों को 6 और 5 को माइनस करने से 1 आता है, तो 6 और 5 को इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस, अब मुझे माइनस चाहिए, यहाँ पे मिड टर्म माइनस में है,
तो आप 6 के साथ माइनस लगाएं क्योंकि वो बड़ा नंबर है, और 5 के साथ प्लस लगा दें। रिज़ल्ट मेरा 1x के इक्वल आना चाहिए इन दोनों का रिज़ल्ट। -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लें फर्स्ट 2 से और देन नेक्स्ट 2 से, 3 भी कॉमन आएगा, 3 और 6 में 3 कॉमन है, एक्स स्क्वेयर एक्स में एक्स कॉमन है, तो 3 भी बाहर चला गया, एक्स बाहर चला गया, एक्स स्क्वेयर में से एक एक्स बाहर चला गया, तो एक एक्स यहाँ रह जाएगा, -3 2 टाइम्स 6 तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये एक्स कहाँ गया बाहर कॉमन, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 और 10 में 5 कॉमन है, 10 के फैक्टर्स आपको पता है 5 और 2 होते हैं, तो 5 मैं बाहर ले गया, अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 5 बाहर गया, यहाँ पे एक्स रह गया क्योंकि एक्स यहाँ पे था, एक्स यहाँ पे नहीं था, तो एक्स हम कॉमन नहीं ले सकते, एक्स अंदर जाएगा, माइनस इस 10 के फैक्टर्स में 5 और 2 थे, सो 5 बाहर चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा 2 इक्वल टू 0। आपके पास दो फैक्टर्स बने, 3x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अब x की वैल्यूज निकलेंगी आपके पास जी, ये दो फैक्टर्स हमारे बने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3x इज इक्वल टू माइनस 5, ये 5 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 2, जब ये 2 वहाँ राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपका सलूशन है। नो दिस इज सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व हो गए, सो कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट सलूशंस, थैंक यू सो मच।